वर्ल्ड क्लास लाइटिंग होगी, ऐसी लाइटिंग पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखी। आने वाले टाइम गांव में नहीं होगा ऐसा प्रोजेक्ट जो बना रहे। पूरे इंडिया में नहीं होगा भैया ऐसा। मैंने सोचा अपना चैनल का नाम चेंज करके ये रख दूं ना कि साज का मौसम कैसा है गुड़गांव में। भाई धूप है, तगड़ी धूप है, हाँ बहुत ज्यादा तगड़ी धूप है। एक गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मस्त सोए यार, क्या सो रहे ना, सीरियसली इतना मस्त नींद आ रहा है ना, मतलब सुबह उठने का एक रत्ती मन नहीं करता है। मतलब एक रत्ती में तो अलार्म लगा के सोता हूँ सुबह 10 बजे का, फिर अलार्म बंद करके स्नूज पे करते करते 10:30 बजे उठ रहा हूँ। अभी फिलहाल ना रेडी होंगे, नहाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। BMW वाले भाई को भी फ़ोन करना है, भाई को भी एक बार फ़ोन करते हैं। मेल का एक्चुअली पता क्या, मैं सुबह के टाइम पे मेल करता हूँ ना, फिर उस दिन शाम के टाइम पे मेल आता है ऑफिस बंद होने के टाइम पे, तो एक बार थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो हो जाता है। 5,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और 40 दिन के लिए गाड़ी खड़ी हो जाए, यार आप सोच रहे हो कितना बुरा लगता होगा। अब मांग दियो मेल आपको कल। हाँ, मैंने देखा, इवन आपको ना कॉल भी करना था, अभी गाड़ी में रिसीव करा था, अभी बैक टू बैक, अभी आपको कॉल नहीं कर पाया मैं। अच्छा सर, इसमें ना हाईलाइट तो किया मैंने पार्ट से इनको, बट वही है कि उनका ना क्लियरिटी मेरे को नहीं मिला है कि ईटी एग्जैक्टली कब पहुंचेगा। तो मैंने आपको नहीं, ईटीए के लिए नहीं, मैंने तो कटसी कार के लिए बोला सर। कटसी कार का मैंने सुबह सुबह आते ही चेक किया था, लाइक मेल मैंने सुबह ही देख लिया था, रिस्पॉन्स नहीं कर पाए थे मुझ पर, बट जो सीनियर मैनेजर थे मेरे, उन्होंने मेरे को एक्चुअली, मैंने भी 2-3 दिन पहले भी एक रिक्वेस्ट डाला था कटसी कार का, बट अभी ऑक्यूपाइड चल रहे हैं सर गाड़ी, कुछ कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं। ये मेरे को मेल पे लिख के दे दो, अगर मुझे जस्ट इन केस कुछ लीगल एक्शन लेना होता है तो मैं, मुझे मेल पे चाहिए होगा। ठीक है सर, आप मुझे मेल पे लिख के दे दो कि विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड कटसी कार साथ में ना, उसके बाद बिकॉज अगर मैं गाड़ी का ईएमआई दे रहा हूँ, गाड़ी का ये नहीं, सारी, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर कि नहीं नहीं गाड़ी है अपनी एंड लिख, हाँ तो आई विल नॉट सफर बिकॉज एक महीने गाड़ी शोरूम पे इस पे खड़ा रहना, तो गाड़ी तो चला ही सकते हो। आप लिख के दे दो कि आप गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद कुछ भी चीज फॉल्टी आएगा तो फ्यूचर में वी कैन टेक केयर ऑफ इट। आप वो लिख के, मैं एक बार ही पूछ रहा था, रेयर पार्ट है ये वाला, तो रेयर पार्ट है तो आपके पास होना तो चाहिए ना, गाड़ी का ही पार्ट है ना, है गाड़ी का ही सर। नहीं मैं सर आपका पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर, इसमें जी जी गौरव, थैंक यू। कहीं ना कहीं पार्ट की एबिलिटी हमारी साइड से ही नहीं है सर, कुछ इस तरह। हाँ तो वो आप देखो ना, वो कस्टमर विल नॉट सफर ना। Yes, मैं हो चुका हूँ रेडी और वेट कर रहा हूँ सौरभ भाई का। सौरभ भाई नोएडा से भी निकले हैं और अभी आ रहे हैं, तो अभी तो आपने सुना ऑलरेडी BMW वाले ने क्या बोला, तो आई एम वेटिंग फॉर द मेल कंफर्मेशन। देखो अगर मेरे को गाड़ी मिल जाती है और वो मेल पे लिख के दे देते भैया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी टेक्निकल टीम दे देती है कि आप गाड़ी चलाओ, ये नॉक सेंसर सिर्फ अपने मतलब इसी किसी काम का नहीं है, और इंजन लाइट अगर आ भी रही है तो आप गाड़ी चला सकते हो, ये मेल पे अगर रिटर्न दे देते हैं फिर तो मैं गाड़ी मंगवा लूँगा अपने पास। ठीक है, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करूँगा, 2 महीने ऑलरेडी मैंने बरसात में गाड़ी नहीं चलाई बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग इश्यूज़ एंड ऑल। लास्ट मैंने पता नहीं कब निकाली थी यार, जब दिन निकाली थी उसी दिन ही आया था। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हम आपको गाड़ी ऐसे नहीं चलाने दे सकते, आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, फिर जो भी एक्शन होगा वो एक्शन लेंगे यार। भाई अभी भी देखो कितनी मस्त धूप निकली हुई है, मस्त धूप क्या, गर्मी है, मस्त क्या होती है धूप, प्लेजेंट नहीं है वेदर, धूप है गर्मी है। चलो भाई सीधे साइट पे जा रहे हैं। हाँ कल मैंने गाड़ी बाहर ही लगा दी थी, मैंने कहा बार बार अंदर करो, इधर बाइक वाइक लगी रहती है तो दिक्कत होता है। अरे यार ये भैया उठा देते हैं ना, उसके बाद इसको नीचे गिराने में ना वो अड़ता है भैया, वो कल से बोलूँगा भैया थार की ये मत उठाया करो, आप साफ़ करते हो तो वैसे ही गंदी हो जाती है, ये अड़ता है देखो, वाइपर ख़राब होगा उठाते उठाते। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आप स्टोर बोल रहे थे, स्टोर कब ओपन होगा, हमें गाड़ियों का ये कराना है वो कराना है। भाई स्टोर देखो मैं भी बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ओपन हो, अभी फाइनल जो स्टोर का लो लाइटिंग वाला काम है ना वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमने अलग से लाइटिंग डिज़ाइन की है, मतलब सारी चीज़ें यूनिक हो रही हैं तो ये लाइटिंग वाला चीज़ तो यूनिक बनता ही है, तो वो लाइटिंग वाइटिंग ना अभी लगने वाला काम चल रहा है एंड उसके बाद अपना स्टोर का इनॉग्रेशन होगा। होपफुली इस मंथ में अपन स्टोर अप एंड रनिंग कर देंगे, प्लान तो ये था कि 15 से 20 अगस्त के बीच में करें, बट देन जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगना था वो थोड़ा सा डीले हुआ और अब कनेक्शन वगैरह सारी चीजें हो गई है। भाई ये रहा अपना फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, यहाँ नीचे अपनी गाड़ी पार्क है, ये देखो ये रहेगा अपना मेन ऑफिस, ये सामने ऑफिस और इधर अपना लाउंज एरिया, ये अपने अपने लोगों के लिए, मतलब जो अपने गेस्ट आएंगे उनके लिए, और प्लस यहीं पे हम सारा रिकॉर्ड करेंगे, और इधर हम ना ये फेल्ट फैब्रिक है, ठीक है, ये हम इसलिए लगा रहे ताकि नॉइज़ जब हम रिकॉर्ड करें ना
तो आवाज़ एब्जॉर्व कर ले। और ये साइड में नीचे ये लग रहा है इसके नीचे लाइट रहेगी, इसके बीच में ना लाइट रहेगी ताकि वो चारों तरफ ना वैसे लाइट आए। हाँ महंगी बातचीत है ना। हाँ ये अपना एसी का सारा कनेक्शन लग गया, ये एसी का अपना सारा पाइपिंग वाइपिंग आ गया। जब एक बार रेडी हो जाएगा एसी इंस्टॉल कर देंगे। तो ये देखो ये एग्जॉस्ट लग गया, पेंट बूथ में पेंट बूथ अपना सेटअप हो गया और प्रिपरेशन बूथ चल रहा है, मतलब जहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग होगा। बस नीचे अपना ये रेलिंग वेलिंग सारा लग गया, उधर अपना पूरा ये बन गया। यहाँ पे अपने वीडियोग्राफर अकाउंटेंट वगैरह बैठने के लिए ना यहाँ पे जगह रहेगी ताकि नीचे सारा चीज़ दिखता रहे। ये देख रहे ये पूरा बे यहाँ से दिखता रहेगा, काफ़ी बड़ा है भाई। और यहाँ पे शीशा वीशा आएगा और यहाँ पे भी एसी वेसी लगेगा, यहाँ से पूरा बे आपको नज़र आता रहेगा। ये कस्टमर एरिया रहेगा अपना, नहीं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा ना अभी, नहीं तो फिर फील ख़त्म हो जाएगा। तो मिला जुला के ये रहेगा। नीचे चलते हैं थोड़ा, ये अपना नीचे ड्रेनेज के लिए अपना वो चल रहा है, क्या कहते हैं टाइल्स लग रहा है। ये सामने अपना ये देखो ये ग्रिड, ये इसको क्या कहते हैं फ्लूटेड पैनल, ये भाई फ्लूटेड पैनल रहेगा। और इस चारों तरफ ना वैसी जो जाली है ना ऊपर वाली, हाँ ऐसी लगेगी और उसके अंदर हेडलाइट। अच्छा उसके अंदर हेडलाइट, इसके ऊपर ना ऊपर नहीं आएगी, तीन तरफ। अच्छा और ये सीलिंग के लिए ये ऐसा पूरा लगेगा ना, ये पूरे में लगेगा, फिर इसके ऊपर लाइटिंग आएगी, लाइटिंग आ जाएगी जो मेन लाइटिंग हम डिसाइड करें जो एकदम डिफरेंट रहेगी। भाई ये अपना स्टाफ वॉशरूम आ गया, ये अपना स्टाफ का रूम आ गया, पैंट्री वगैरह वाला। यहाँ पे अपना ये आ गया लिफ्ट का कंट्रोलर, बेसिकली गाड़ी उठाने के लिए जो लिफ्ट विफ्ट चाहिए। और ये पता नहीं कुछ तो हो रहा है, क्या लग रहा है भाई पता नहीं, कुछ तो लग रहा है। ये अपना आ गया पैंट्री, ये पैंट्री आ गया, ये आ गया अपना मेन कस्टमर का वॉशरूम। हाँ भाई सौरभ भाई की गाड़ी हम यहीं पे छोड़ रहे हैं और अपनी गाड़ी से चल रहे हैं। मेरी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगता है और इसमें वेंटिलेटेड सीट भी नहीं है, ठीक है। मैं तो बोल ही रहा था वही ले चलते, तो एक काम करो फिर, हाँ। मैं अपनी ना पीछे लगा देता हूँ, आप मेरी गाड़ी निकल गई ना आप निकाल दो, ये ऐसा कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ थार में ना ऊपर छत थोड़ा ज़्यादा वो है ना, प्लास्टिक है। थोड़े चेंजेस फसाड में भी है, यहाँ पे रेड कारपेट लिखा हुआ आएगा तो वो भी बन गया है, वो भी एक दो दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी अभी सौरभ भाई के साथ ही चलते हैं भाई। हाँ ये देखो इसमें वेंटिलेटेड सीट है ना सौरभ भाई, ये वाला सीट नहीं लग सकता है कार में। अरे बताया तो था लग जाएगा, ये तो अरे कब मना कब किया मैंने, मजाक कर। ये पीछे कौन लेट के बैठा था ऐसे, एकदम ही लेट गया था ना भाई। हाँ रजत भाई एकदम लेट के बैठते हैं भाई। ये वाला सैलड इतना मस्त है ना, इतना मस्त है ना, टेस्टी है ना, हाँ जबरदस्त है ना, ये मेरा फेवरेट है यहाँ का। जब भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा भूख लगता है ना तो इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। आओ ना लो ना, मैं आपके सैंडविच ले नहीं लूँगा। आप सैलेड खाओ, ये ब्रोकली वाला सैलेड है ना, बहुत मस्त है यार। गाड़ियों की बात करते करते ना मुझे याद आया कि भाई थार तो मैं चला रहा हूँ भाई, फॉर्च्यूनर की सर्विस। अरे यार जब रिकॉर्ड करने जाना कोई ना कोई फ़ोन ही करता है। हाँ पक्का ना, कहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तराखंड एक बार पता कर लेते ना मौसम कैसा है, अभी बहुत बरसात थी भाई। अभी हिमाचल का ना एक प्लान बन रहा था भाई, हिमाचल में अभी इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना, अभी बीच में वापस से बादल फटे थे और बहुत नुकसान हुआ यार इस बार पहाड़ों के साथ ना, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। मतलब हमने भी तो पहाड़ बहुत काटे यार हिमाचल में, एब्सोल्युटली हिमाचल का स्पिरिट बहुत अच्छा है यार, वहाँ के लोग वहाँ के मतलब जो नॉर्मल लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं यार। मतलब वो ना जो भी परेशानी आती है ना तुरंत रिकवर कर जाते हैं और वापस वही स्पिरिट में। देवभूमि हिमाचल उत्तराखंड भाई, आपको पता है सौरभ भाई अभी से ना कुछ टाइम पहले तक ऐसा था ना कि मैं हर महीने में दो बार हिमाचल या उत्तराखंड जाता था, मैं पहाड़ों पे जा ही नहीं पा रहा हूँ। इस बार ना लद्दाख कर पाया ना स्पिति कर पाया, और फॉर्चुनर की सर्विस करा लेता ना, फॉर्चुनर ही जाएगी पहाड़ों के लिए, तो फॉर्चुनर ही है। दो गाड़ी ले चलेंगे, हाँ डन है। थोड़ी सी लाइट्स ऑन करवाई तो ये अभी लाइट्स लगेंगे, इसके पीछे अभी बहुत सारी लाइट्स और आनी है। बस यहाँ पे चल रहा है अपना बोर्ड्स वाला जितना काम है ना वो सारा चल रहा है, अभी फिनिशिंग वर्क चल रहा है ना। जब आप यहाँ पे आओगे और फिर देखोगे ना तब पता चलेगा कि यह एक्चुअली कितना बड़ा है। फ्लूटेड पैनल लग के ना बहुत सही लग रहा है, एक बार पूरा जाली वाली दो तीन दिन लगेंगे और फिर ऊपर ना अपना लाइट का सारा काम हो जाएगा। ये देख रहे हो ऊपर ये सारा ना लाइट्स के लिए है।
सारा का सारा, क्योंकि सारा गेम तो लाइट का यार, लाइट अगर अच्छी नहीं रहेगी ना तो डिटेलिंग में ना वो बात नहीं आ पाएगी। लाइटिंग में जबरदस्त होगी ना, वर्ल्ड क्लास लाइटिंग होगी, ऐसी लाइटिंग पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखी। समझ जाओ अगर सौरभ भाई ने बोल दिया जो थार पे वेंटिलेटेड सीट के लिए बोले तो भाई लग जाएगी, मसाजर लग जाएगी। वो सब छोड़ो, जो थार का हमने प्रोजेक्ट किया है वो कोई नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो बताओ, तो जो लाइटिंग हम करने वाले हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता भाई। बहुत तगड़ा, मतलब इसमें ना भाई बहुत खून पसीना लगा है, खून पसीना। और यहाँ पे बीच में पार्टीशन आएगा क्योंकि यहाँ पे अपनी लगेगी लिफ्ट, जो वॉशिंग के लिए लिफ्ट लगती है ना। अब देखो इसमें ऐसे दिखाता हूँ, ये सारा का सारा ग्लास डोर रहेगा, तो ग्लासेस वगैरह आ गया, बस फ्रेमिंग लग रही है, फ्रेम लग के ये डोर अभी फिक्स हो जाएंगे। मतलब दो तीन दिन में ना ये पूरा क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे ना सारी लाइट्स आ जाएंगी। अभी हम निकले थे दोपहर में, ऑलमोस्ट रात होगी। हाँ अभिषेक भैया कैसे हो आप? बढ़िया है, बढ़िया विकास भैया। आपको पिक करने आने के लिए ना हमें एक घंटा लगा, एक घंटा। मैं एक घंटा झूठ बोल रहा हूँ ना बट ट्रैफिक सीरियसली बहुत है यार, बहुत। मतलब इस टाइम पे तो ऐसा है ना, ऐसा लगता है मुंबई कभी आप मिस नहीं करोगे, हमेशा मुंबई गुड़गांव मुंबई की याद दिलाता रहता है भाई। ये लाइट देखो वॉल्वो की, आप देख रहे हो स्टेयरिंग यहाँ पे काट रहे हैं सौरभ भाई आगे पीछे, ये देखो पूरी पूरी लाइट घूम रही है यार, क्या तगड़ी चीज है ना। मतलब जिस साइड स्टेयरिंग घूम रहा है ना, देख रहे हो लाइट डांस कर रही है। हाँ इसी तरह नहीं कहते कि भाई वॉल्वो में इतने ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। ये स्टेयरिंग ऐसे काट रहे हैं और ये देखो सामने आपको लाइट घूमती नजर आ रही है भाई। ऐसा नहीं कि कोई तीसरा बल्ब, साला पूरा हेडलाइट ही टर्न कर रहा है यार भाई। फिलहाल टाइम हो रहा ऑलमोस्ट 10 और हम जा रहे अभिषेक भैया को ड्रॉप करने। अभिषेक भैया के साथ हमने काफी लंबी डिस्कशन की, अभिषेक भैया हमें काफी सपोर्ट करेंगे एक चीज में जो कि हम आगे डिसाइड कर रहे हैं, ग्रेजुअली जब टाइम आएगा तो आपको ही बता देंगे। बट सही है ना, अपना आइडिया सही है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी भी है, वो चाहिए भी, जरूरी भी है, जरूरी है, क्योंकि ये हमें पहले से पता था कि ये जरूरी है, लेकिन हर चीज के लिए मुद्रा लगता है, मुद्रा अपने पास था नहीं। हमने कहा चलो ठीक है कहीं से कर्जा, बैंक को अपने नेक इरादे बताओ, बैंक आपको अपने बैंक उसको पूरा करने के लिए आपको लोन देगा। कुछ ठीक है, अभी जो भी चीज़ चल रही है ना वो ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगी। बट मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही तगड़ी चीज़ चल रही है, तगड़ी चीज़ चल रही है आने वाले टाइम में। हाँ आने वाले टाइम गाँव में नहीं होगा ऐसा प्रोजेक्ट जो बना रहे, पूरे इंडिया में नहीं होगा भैया ऐसा, ऐसा रहेगा ना ये पूरे इंडिया में नहीं होगा। चलो अभी अभिषेक भैया को ड्रॉप करते हैं, सौरभ भाई तो उधर चले गए अपने अड्डे पे, अज्जू भी उधर ही आ रहा है, मैं अभिषेक भैया को ड्रॉप करूंगा और फिर वहां पे ज्वाइन करूंगा दोनों भाइयों को। फाइनली टाइम हो रहा है 11:13, आज मैंने आपको बहुत बाहर टाइम दिखा दिया ना, आप पूरे दिन अपन बाहर निकले यार, मतलब बाहर रहे, अभी वापस जा रहे हैं घर, घर जाके खाएंगे खाना क्योंकि खाना भी कुछ नहीं है, बहुत तेज भूख लग रही है। और भाई सुबह मैंने BMW वालों से बात की थी एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने आज कोई रिवर्ट नहीं किया मेल का, कोई भी रिवर्ट नहीं किया। अब देखते हैं एक दिन और रुकते हैं, अगर जस्ट इन केस उनका कोई रिवर्ट नहीं आता है तो अपनी तरफ से जो एक्शन लेना होगा वो अपन लेंगे, जो भी इनिशिएट करना होगा वो करेंगे। लेट्स सी, आई होप कि कल तक वो रिप्लाई कर दे मेल पे, मैं तो कल एक बार फ़ोन पे फिर से बात करेंगे भाई। ये बहुत गलत है यार, जब एक बार गाड़ी में प्रॉब्लम आती है ना तो आप सही सर्विस अगर ना किसी को नहीं दोगे ना तो उस ब्रांड से ना कस्टमर का ना विश्वास उड़ जाता है, फिर आपकी आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा रहे वो आपका ब्रांड प्रेफर नहीं करेगा। चलो घर चलते हैं।